Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। शरीफों के सोने का वक्त है ये, इतनी रात को सिर्फ उल्लू जागते हैं। अरे गजाला जी, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, इनको तो मैं सिखाता हूँ। चाहत, इनकी बेवकूफियों पर तुम्हें हंसी आ रही है? मिसेस बेक, देखिए ना कितना फनी लग रहा है, मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं करता। तुम अंदर चलो चाहत, चलो अंदर। देखा तूने, चाहत की हंसी इस बात का सबूत है कि तू हम दोनों के बीच में कितनी नफरत पैदा कर ले, वो मुझसे प्यार करती है। इतिहास पढ़ा है ना तूने, नफरत और प्यार की जंग में जीत तो प्यार की होती है। कि दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले, ये रात और ये दूरी ते, ये रात और ये दूरी ते, राम मिलना है जरूरी, के दिल मेरा, ये दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले, ये रात और ये दूरी, राम मिलना है जरूरी। मुझे तो लगता है कि भगवान ने ना चाहत की याददाश्त में इंटरवल है ना जानबूझ कर दिया, हमें फिर से मौका दिया है एक बार फिर से हमें रोमांटिक होने का, ऐसे रूठने का, मनाने का। थैंक यू भोलेनाथ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे फिर से प्यार हो रहा है। कि दिल मेरा धक धक डोले, ओ भयंकर बिच्छू, ये तो चाहत के कमरे में जा रहा है, कुछ करना होगा। कहाँ गया, अभी तो यही था। अरे सॉरी, मतलब मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारे कमरे में बिच्छू है। बिच्छू, बचाओ बचाओ, बिच्छू से मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज बिच्छू को निकालो। हाँ वही कर रहा हूँ मैं। तुम लोग क्या कर रहे हो बिच्छू? क्या कर रही है? छोड़ चाहत को। अबे ओ साइड हीरो, ध्यान से देख, मैंने इसको नहीं पकड़ा हुआ, इसने मुझे पकड़ा हुआ है। इसके कमरे में बिच्छू घुस गया। बिच्छू क्या क्या बकवास है, अब तू ऐसे पैसे अपनाने लगा है चाहत के करीब आने के लिए? वो 90s, हाँ? मैं सुन मेरी बात, जो चीज मेरी अपनी है ना उसको हासिल करने के लिए मेहनत करना मेरी आदत नहीं है, समझा? रेन प्लीज, तुम लड़ना बाद में, पहले बिच्छू ढूंढो। अरे यार मुझे मत डराओ, ढूंढ रहे हैं।
चाहत, ये देखो उसकी जेब में कुछ हिल रहा है। अरे जेब में कुछ है, वो देखो कुछ ऐसा मूव कर रहा है वहां पे। कुछ भी बोल रहा है, मेरी जेब में क्या है? देखा चाहत कितना चला के ये आदमी, तुमसे लिपटने के लिए ना ये जेब में बिच्छू लेके आया। क्या बकवास कर रहा है? झूठ बोल रहे? You know what? तुम हर दिन मुझे पिछले दिन से ज्यादा गिरे हुए इंसान लगते हो। अरे ऐसे आदमी को तो मुंह काला कर देना चाहिए। I agree. अरे चाहत, मेरी बात, गेट आउट, मैंने कहा बाहर निकल जाओ। सुनाई नहीं दिया क्या? चलो निकलो यहां से, बदतमीज। क्या हीरो? हीरो ना तू, पर एक ऐसी पिक्चर चल रही है जहां पे हीरो को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। चाहत मेरी है, 10 साल से मोहब्बत करते आया हूं उससे, बीच में तू आ गया, पर कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, अब मैं वापस आ गया हूं ना। ये लोग चाहत को ऐसी भड़काते रहे तो कहीं चाहत को मैं सच में खोना दो। मुझे जल्दी से उस डॉक्टर इनाय से मिलना होगा, एक वही है जो शायद चाहत की याददाश्त वापस ला सके। मुझे चाहत को यह एहसास दिलाना होगा कि वो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। जिन बच्चों की जान बचाते हुए चाहत ने यह कुर्बानी दी है, वो बच्चे चाहत का घर पर इंतजार कर रहे हैं। छोरे ने ठीक करा या छोरी ने? सालों पुरानी रीत बदले की अपनी। काश मेरे भी मीट दीदी जैसे छोटे बाल होते। एक मिनट, बड़े बालों को छोटा तो कर ही सकते हैं। ओ भयंकर, ये क्या कर रही हो तुम? कोई खुद के बाल खुद से काटता है क्या? मोगली लगोगी। अब्बू मुझे भी मीट दीदी जैसे छोटे बाल चाहिए, मैं भी बड़े होके उनकी तरह बनूंगी। श्लोक जितनी जिम्मेदारियां उठाएगा घर की, मैं भी उतनी उठाऊंगी, क्योंकि लड़कियां लड़कों से थोड़ी ना कम होती हैं। बिल्कुल सही बात है, इधर आओ, यहाँ बैठो। बिल्कुल सही, अब अपने अम्मी को ही देख लो, किसी से कम थोड़ी ना है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, मीत जैसा बनने के लिए ना बाल छोटे करने की जरूरत नहीं है, सोच को बड़ा करने की जरूरत है। क्योंकि बेटा मीत का ये मानना है कि घर की जिम्मेदारी चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों मिलकर उठा सकते हैं। अब जिम्मेदारी को तो पता नहीं होता कि निभाने वाला बेटा है या बेटी है। अबू जब ये शो आएगा ना, तभी हम दोनों देखेंगे। हाँ पता है मुझे, 23 अगस्त से मीत की कहानी सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। 23 अगस्त से देखिए दो नई बेमिसाल कहानियाँ, दो खिलाड़ी जिनकी जिंदगी बनेगी खेल या ये खेल बदलेगा इनकी जिंदगी, और सालों पुरानी रीत बदलेगी अब मीत। 23 अगस्त से रिश्तों का मांझा शाम 7 बजे और मीत 7:30 बजे। प्लीज अल्लाह मियाँ तक मेरी ये दुआ पहुँचा दे कि मेरे बाबा जहाँ भी रहे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।